हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहा है आपके लिए, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पटना में जन्मे जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा पहली बार 22 फरवरी को पटना पहुंचेंगे। जेपी नड्डा सुबह 10 बजे पटना पहुंचेंगे और 11 बजे से बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। बिहार के 11 जिलों में भाजपा का अपना कार्यालय बनकर तैयार हो चुका है और 22 फरवरी को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जेपी नड्डा सभी भाजपा कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। भाजपा ने हर जिले में अपने कार्यालय के लिए जमीन खरीद कर रख ली है। सभी जिलों में भाजपा कार्यालय का भवन होगा। 22 फरवरी को जिन जिलों के भवन का उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे वह है नवगछिया, भागलपुर, सहरसा, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज, अरवल, सहसाराम, लखीसराय, दरभंगा और औरंगाबाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष न सिर्फ इन जिलों के नए भवन का उद्घाटन करेंगे बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन जिलों के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी से भी बात करेंगे। आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की रेट में स्थिरता देखी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 21 फरवरी 2020 को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, चेन्नई में डीजल पेट्रोल की रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। मैट्रिक परीक्षा के दौरान हड़ताल पर गए शिक्षकों के खिलाफ बिहार सरकार एक्शन में है। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों का जनवरी और फरवरी महीने का वेतन रोक दिया है। बता दें कि जो हड़ताल पर नहीं है ऐसे शिक्षकों के लिए जनवरी और फरवरी के वेतन के लिए 1300 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी गई है। बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक संजय सिंह ने इस बात की जानकारी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया है। जो शिक्षक ड्यूटी पर है केवल उन्हें ही वेतन दिया जाएगा। परियोजना निदेशक संजय सिंह ने जो निर्देश जारी किया है इसके तहत जो शिक्षक अपने कर्तव्य पर उपस्थित है और हड़ताल में शामिल नहीं है उन्हें ही वेतन भुगतान किया जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार को एक बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने 48 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दावा किया है कि उनके पास बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट है। उन्होंने बिहार के विकास को लेकर जदयू के पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को साथ आने का निमंत्रण भी दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा कि राज्य सरकार के पास विकास के लिए कोई मॉडल नहीं है। मेरे पास बिहार के विकास के लिए अगले 3 साल का ब्लूप्रिंट है। अगर प्रशांत किशोर बिहार के विकास में सहयोग देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार समस्याओं से लोगों का ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि रोजी रोटी, कपड़ा और मकान चुनावी मुद्दा होना चाहिए। बिहार का अगला चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। कन्हैया समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में जनगण मन यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करने के दौरान बोल रहे थे। बिहार सरकार मकई, पान और मशरूम के उत्पादन को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनकी पहल करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। मशरूम की खेती को और अधिक प्रचारित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री किसानों और कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़े इसके लिए कृषि की अधिक से अधिक बेहतरी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेमन ग्रास का उत्पादन बढ़ाने से घोसपड़ास की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं। पर्यावरण संरक्षण के लिए किसानों को पराली जलाने से रोकने की प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने बिहार में अंडे के उत्पादन को यहां की खपत के अनुरूप बढ़ाने को कहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग का सपना है कि हर हिंदुस्तान की थाले में एक बिहारी व्यंजन हो। उन्होंने कहा कि गंगा किनारे के 13 जिलों में जैविक खेती की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में जमुई जिले के क्षेत्रों को भी जैविक खेती से जोड़ें। राजधानी पटना में अब मॉर्निंग वॉक करने वालों को इसके लिए पैसे देने होंगे। पटना में ये नई व्यवस्था सभी पार्कों पर लागू होगी। इससे पहले पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान समेत इको पार्क और कुछ पार्कों में टहलने वाले लोगों को शुल्क देना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था के आने के बाद अब राजधानी के सभी पार्कों में मॉर्निंग वॉकर्स से भी पैसे लिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पार्कों का मेंटेनेंस सही ढंग से हो सके इसके लिए पटना पार्क प्रबंधक मॉर्निंग वॉकर्स से पैसे लेंगे। इस संबंध में विभाग की हर तरफ से एक प्रस्ताव स्वीकृत के लिए शुल्क निर्धारित समिति को भेज दिया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए नई योजना का ऐलान किया है। 2 दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में 10,000 कृषि उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने की योजना पर मोहर लगाई गई है। इसके लिए 4,496 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। FPO छोटे और सीमांत किसानों का एक समूह होता है। सरकार 4,496 करोड़ रुपए के इस फंड के जरिए बाजार में किसानों की भागीदारी बढ़ाकर उनकी आमदनी बढ़ाएगी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा दिसंबर में हुई टर्म एंड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट को आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इग्नू की ओर से रिजल्ट घोषित करने को लेकर कोई सूचना नहीं मिली थी। आपको बता दूं कि इग्नू ने अगले दिसंबर रिजल्ट 2019 की घोषणा 31 जनवरी 2020 को कर दी थी। इग्नू टर्म एंड परीक्षा का आयोजन 3 दिसंबर से 3 जनवरी 2020 तक किया गया था।
अगर आप टेलीविजन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या फिर स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्द खरीद लें, क्योंकि मार्च से कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक कंपनियां डिस्काउंट और प्रमोशन ऑफर्स घटा रही है, जिसकी वजह से लोगों को प्रोडक्ट की कीमतों में 3-5% तक की इजाफा होगी। टेलीकॉम जैसे कुछ प्रोडक्ट के दाम 7-10% तक बढ़ सकते हैं। होली का त्यौहार आने में कुछ ही दिन बाकी है और जो भी अपने घर से दूर रहते हैं वो अपने घर जाने के लिए सोच रहे हैं। अक्सर त्यौहार के आसपास ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन रेल यात्रियों की इस मुश्किल को कम करने के लिए और उनकी यात्रा को सुविधापूर्वक बनाने के लिए सेंट्रल रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। त्यौहार को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर बढ़ने वाली भीड़ से बचने और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने होली के दौरान पुणे और पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। केजरीवाल ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को लेकर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। इसमें खास तौर पर 10 गारंटी योजना पर चर्चा की गई। इस कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली के सभी मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद थे। इन अधिकारियों को सीएम की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वे सारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का प्रपोजल जल्द से जल्द तैयार करें। माना जा रहा है कि एक हफ्ते में अधिकतम रोड मैप तैयार करके सीएम को सौंप दिया जाएगा। राजधानी पटना में संविधान बचाओ, नागरिकता बचाओ महारैली की तैयारी जोरों पर है। 27 फरवरी को होने वाली महारैली में सामाजिक राजनीतिक जगत की युवा हस्तियों के अलावा बॉलीवुड के भी कई सितारे भाग लेंगे। आयोजकों का दावा है कि इस महारैली में 10 लाख लोग आएंगे। SFI नेत्री और JNU छात्र संघ के अध्यक्ष IC घोष पहली बार पटना आएंगी। रैली को सिनेमा जगत के अभिनेत्री सौरभ भास्कर, अभिनेता प्रकाश राज, सुशांत सिंह, निर्देशक अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा संबोधित करेंगे। डाकघर में बचत खाताधारकों के लिए थोड़ी परेशानी करने वाली खबर है। परेशानी करने वाली खबर यह है कि डाक विभाग ने बचत खाते का न्यूनतम बैलेंस 50 रुपया से बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया है। न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने वाले बचत खाताधारकों से वित्तीय वर्ष के अंत में 100 रुपया पेनल्टी वसूल की जाएगी। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लघु बचत योजना का झटका लगने की आशंका है। घने कोहरे के कारण पूर्व मध्य रेलवे ने 20 फरवरी से 31 मार्च के बीच कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। कुल 28 ट्रेनों के समय में परिवर्तन या फिर रद्द करने की घोषणा कर दी है। इसमें मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली 8 ट्रेनें भी शामिल है। सभी अलग अलग तिथियों को रद्द की गई है। कोहरे के नाम पर हुई इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में 1700 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया है, जो जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा यानी कि BPSC आयोग में भेजने की तैयारी है। बहुत जल्द ही इसके लिए BPSC की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसके लिए बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2020 और बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा नियमावली 2020 बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक हुनर हाट पहुंच गए। अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय की ओर से इंडिया गेट के पास आयोजित हुनर हाट में देश भर से आए कलाकार और कारीगर अपने अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार के परंपरागत व्यंजक लिट्टी चोखा का आनंद लिया। वहीं हुनर हाट में स्टॉल लगाने वाले अताउर रहमान से भी पीएम मोदी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अताउर रहमान बेहद खुश थे। अताउर रहमान का कहना है कि हुनर हाट से बहुत फायदा मिला है। रहमान ने बताया कि जिंदगी में पहली बार मैं किसी प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया हूं। अताउर रहमान ने कहा है कि पीएम मोदी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। दरअसल पीएम मोदी का हुनर हाट में जाना पहले से तय नहीं था, वे अचानक ही हुनर हाट पहुंच गए थे। सांसदों द्वारा गांव को गोद लेने के बाद अब जिले के SP SSP भी गांव को गोद लेंगे। हर जिले के SP SSP एक एक गांव को गोद लेंगे। इसको लेकर कोई पैमाना या फिर मापदंड नहीं होगा। SP अपनी इच्छा से किसी एक गांव का चयन करेंगे। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने विशेष दिशा निर्देश जारी किया है। 22 फरवरी से शुरू हो रही बिहार पुलिस सप्ताह के मौके पर गांव को गोद लेना है। ADG CID विनय कुमार के मुताबिक गोद लिए गए गांव के स्कूल में SP बच्चों को पढ़ाने के साथ ही पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे। कटिहार से विजय बाबू पोखर से झाझा लाइन तक 20-21 फरवरी यानी कि कल से आज तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। इस संबंध में बिजली विभाग के सहायक अभियंता अविनाश रंजन ने बताया कि सिकंदर रेल फाटक के पास 33 KV अंडरग्राउंड केबल का कार्य होने के कारण सुबह 8 बजे शाम 6 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। BJP के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने GST को 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागलपन बताते हुए कहा कि ये इतना जटिल है कि कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि कौन सा फॉर्म कहां भरना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC के चेयरमैन राजीव सिंह ने बताया कि भारत में 1 अप्रैल से दुनिया का सबसे स्वच्छ पेट्रोल और डीजल
मिलेगा। उन्होंने बताया कि तकरीबन सभी रिफाइनरीज ने BS6 ईंधन की आपूर्ति शुरू कर दी है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में पहले से ही BS6 ईंधन की आपूर्ति हो रही है। दोस्तों आज का न्यूज बस यही, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।